नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के छठे और सातवें राउंड के चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मदद करने बनारस पहुंची और यहां पर रह करके उन्हें ये मैसेज देना है कि ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के साथ है। जैसे ही वो गदौलिया चौक पहुँची, वैसे ही हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया और खासा हंगामा किया, काला झंडा दिखाया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, काला झंडा फेंक रहे हैं, दिखा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी गाड़ी से उतर करके खड़ी हो गई, उनके आसपास सुरक्षा कर्मियों का घेरा है और वो उन्हीं के अंदाज में कुछ ऐसे जवाब देने की कोशिश कर रही हैं कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं जो है यहाँ पर आई हूँ बनारस में गंगा आरती के लिए। दरअसल वो देखने के लिए उसमें शामिल होने के लिए जा रही थी, मैं यहाँ पे चुनाव प्रचार करूँगी। और कहते ये भी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पंजाब में हुआ था और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उन्होंने वित्त मंत्री से बोला था कि अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद कहना कि मैं किसी तरीके से बच के चला आया, वैसे ही ममता बनर्जी ने भी कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहना किसी तरीके से मेरी जान बच गई। यानी कि उन्होंने तंज कसा, व्यंग कसा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं से रोज़ भिड़े रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर के रोष था उनमें कि ममता बनर्जी जो है एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के लिए काम करती है, इसीलिए ये हंगामा हो रहा था और उनको संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि आप यहाँ से वापस जाओ, आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि बनारस तो सबका है, बनारस की गंगा आरती में भी उन्होंने भाग लिया, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई। लेकिन अब उनका ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है, तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।